बादशाह अकबर एक सुबह उठते ही अपनी दाढ़ी खुजलाते हुए बोले, अरे कोई है? तुरंत एक सेवक हाजिर हुआ। उसे देखते ही बादशाह बोले, जाओ जल्दी बुला कर लाओ, फौरन हाजिर करो। सेवक की समझ में कुछ नहीं आया कि किसे बुला कर लाएं, किसे हाजिर करें। बादशाह से पलटकर सवाल करने की तो उसकी हिम्मत ही नहीं थी। उस सेवक ने यह बात दूसरे सेवक को बताई, दूसरे ने तीसरे को और तीसरे ने चौथे सेवक को। इस तरह सभी सेवक इस बात को जान गए और सभी उलझन में पड़ गए कि किसे बुला कर लाएं, किसे हाजिर करें। बीरबल सुबह घूमने निकले थे। उन्होंने बादशाह के निजी सेवकों को भाग दौड़ करते देखा तो समझ गए कि जरूर बादशाह ने कोई अलग तरह का काम बता दिया होगा जो इनकी समझ से परे है। उन्होंने एक युवक को बुलाकर पूछा, क्या बात है, यह भाग दौड़ क्यों हो रही है? सेवक ने बीरबल को सारी बात बताई। महाराज हमारी रक्षा करें, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि किसे बुलाना है। अगर जल्दी बुलाकर नहीं ले गए तो हम पर आफत आ जाएगी। बीरबल ने पूछा, यह बताओ कि हुक्म देते समय बादशाह क्या कर रहे थे? बादशाह के निजी सेवक जिसे हुक्म मिला था उसे बीरबल के सामने हाजिर किया तो उसने बताया, जिस समय मुझे तलब किया उस समय तो बिस्तर पर बैठे अपनी दाढ़ी खुजला रहे थे। बीरबल तुरंत सारी बात समझ गए और उनके होठों पर मुस्कान उभर आई। फिर उन्होंने उस सेवक से कहा, तुम हजाम को ले आओ। सेवक हजाम को बुलाकर लाया और उसे बादशाह के सामने हाजिर कर दिया। बादशाह सोचने लगे, मैंने इससे यह तो बताया ही नहीं था कि किसे बुलाकर लाना है, फिर यह हजाम को लेकर कैसे हाजिर हो गया? बादशाह ने सेवक से पूछा, सच बताओ, हजाम को तुम अपने मन से ले आए हो या किसी ने उसे ले आने का सुझाव दिया था? सेवक घबरा गया, लेकिन बताए बिना भी तो छुटकारा नहीं था। बोला, बीरबल ने सुझाव दिया था, जहाँपना। बादशाह बीरबल की बुद्धि पर खुश हो गया। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही हिंदी कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।